हेलो एवरीवन, दिस इज अजय शुक्ला, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट टारगेट गालोग। तो जैसा कि प्रीपोजिशन के दो लेक्चर हमने देख चुके थे, यानी देखा था प्रॉपर तरीके से, और लेकिन दो लेक्चर में प्रीपोजिशन समाप्त नहीं हुआ था और समाप्त हो भी नहीं सकता, क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ा टॉपिक है। अब बात आती है कि क्या इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर कर सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो आज पहले हम कवर करेंगे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीपोजिशंस के, और जैसे ही वो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर लेते हैं तो हम मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट की ओर, यानी हम फिक्स प्रीपोजिशंस को भी इसी लेक्चर में समझ लेंगे। तो आइए इस सेशन में हम समझते हैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो सके। चलिए अब यहीं पे अगर देखेंगे तो अपने पास वर्ड आता है मेक ऑफ, ठीक है। यहां पे एक होता है मेक ऑफ, ठीक है, और दूसरे को अगर आप देखेंगे तो मेक फ्रॉम होता है, ठीक है। ये दो अपने पास प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। एक क्या हुआ मेक ऑफ, और एक होता है मेक फ्रॉम। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी चेंजेस के लिए होता है। यहां पे समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि ये टेम्परेरी, ठीक है, चेंजेस के लिए यूज किया जाएगा, है ना। इसका टेम्परेरी के लिए होगा, और इसको आप यूज करेंगे परमानेंट। हाँ, इसको आप यूज करेंगे परमानेंट। तो करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। तो अब परमानेंट चेंज और इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, दोनों पहले टर्म समझ लीजिए, इन दोनों टर्म को समझना आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी बन जाता है। अब यहां पे एक लिखा है कि टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज में स्थायी परिवर्तन हो जाए, मतलब किसी चीज के को अगर आप एक बार आपने परिवर्तित कर दिया तो उसके केमिकल फॉर्म को आप टोटली चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा दूध से दही बन गया, तो दूध से दही बनेगा तो इसका मतलब इसमें क्या दही से दूध में फिर से वापस लाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। मतलब एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको आप रिवर्स किया जा सके, यानी फिर से उसी अवस्था में लाया जा सके। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब होगा एक बार अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर से उसी अवस्था में लाया नहीं जा सकता है, उसी को हम इरिवर्सिबल के अंतर्गत रखते हैं। होप करता हूं यह भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार अगर परिवर्तन होगा तो उसको परिवर्तन करके फिर से उसी स्टेट में लाया जा सके, तो वहां पे आप मेक ऑफ का यूज करते हैं। और अगर आपने एक बार परिवर्तन कर दिया तो उसको फिर से उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं किसी भी स्थिति में, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, तो अपने पास जवाब होगा मेक फ्रॉम। जैसे मैं बोलता हूं आइस, ठीक है, इज, तो आप लिख सकते हैं मेड, आइस इज मेड ऑफ, तो आप लिखेंगे यहां पर किससे बनता है, तो आप बोलेंगे वॉटर से। तो यहां पे किसकी कंडीशन आई, ऑफ की कंडीशन आई। लेकिन ऐसे ही हमने बोला कर्ड, कर्ड, तो आप बोलेंगे इज, तो आप यहां पे बोलेंगे मेड, कर्ड इज मेड। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम किससे, तो आप बोलेंगे मिल्क से, ये कंडीशन बनी। तो यहां पे है आइस इज मेड ऑफ वाटर, आइस इज मेड ऑफ वाटर, यहां पे इसका मतलब मेक ऑफ की कंडीशन बनी। और वजह क्या बनी, क्योंकि इसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपने बोला कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो अब एक बार चेंज हो गया तो फिर से आप उसी अवस्था में नहीं ला सकते, तो मेक के साथ कौन सी स्थिति बनेगी, तो आप बोलेंगे फ्रॉम की स्थिति बनेगी। वैसे ही आप कह सकते हैं जैसे मैंने कहा अ नोटबुक इज, अ नोटबुक इज, ठीक है, मेड ऑफ पेपर्स, यहां पे पेपर्स आप लिखेंगे किसके लिए, मेक ऑफ की कंडीशन बनी है, सॉरी। तो यहां पे मेड ऑफ की कंडीशन बन गई, क्यों, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में पेपर को फिर से यानी रिसाइकल किया जा सकता है, यानी आप नोटबुक को आप रिसाइकल करके पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेपर को फिर से आप बना सकते हैं बुक में, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ वाली स्थिति बन गई। जैसे पेपर्स आर, आप कह सकते हैं पेपर्स, ये यहाँ पे पेपर्स आर, अब आप लिख सकते हैं मेड, पेपर्स आर मेड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, तो यहाँ पे किससे बनते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रास, ये मैंने यहाँ पे ग्रास की कंडीशन रख दी। तो ये फोर एग्जांपल्स हैं जो इस बात को समझा सकते हैं, ये समझने के लिए भी पर्याप्त है। तो यहाँ पे पेपर्स हैं जो किससे बनते हैं, घास से बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा
कि आप पेपर से घास बना सकते हैं या ग्रास से आप पेपर बना सकते हैं, तो पेपर से आप घास बना सकते हैं, ऐसा संभव है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम वाली स्थिति आ जाएगी। होप करता हूँ ये समझ में जरूर आ गया होगा। अगले पॉइंट को अगर देखते हैं, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे जैसे अगर देखें पॉइंट, एक वर्ड होता है ऑफ, ठीक है, एक होता है डबल ऑफ, यानी ओ डबल ऑफ, ठीक है, ओ एफ ओ डबल एफ। ठीक, यहां पे समझिएगा, तो एक होता है ऑफ, एक होता है ओ डबल एफ, ठीक है, ऑफ होता है। ये रिलेशन के लिए होता है, इसका यूज किसी भी सेंटेंस में आप करेंगे तो ये रिलेशन के लिए होगा। ये किसके लिए होता है? सेपरेशन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए होगा? तो आपका जवाब होगा, इसका किसी भी सेंटेंस में जब भी हम यूज करेंगे तो ये सेपरेशन के लिए हमेशा यूज किया जाएगा। अच्छा, सेपरेशन के लिए यूज होगा। तो जैसे देख लेते हैं, मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन, यहां पे सेंटेंस है स्विच ऑफ द फैन, ये हो गया, ठीक है, स्विच ऑफ द फैन। मैंने कहा ही इज द कैप्टन ऑफ, मैंने कहा ही इज द कैप्टन ऑफ, ओके, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, ओके, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम मैंने लिखा। फिर इसी तरीके से, ठीक है, मैंने कहा ही फिल ऑफ द ट्री, यही फिल ऑफ द ट्री की कंडीशन बन गई। इसी तरीके से अगर अगले पॉइंट की बात करें, मैंने कहा, ठीक है, अगर नेक्स्ट कहा यू आर द मेंबर ऑफ, यू आर द मेंबर ऑफ, ठीक है, दिस कमेटी, ये हुआ। तो होप करता हूं ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी। अब इतने एग्जांपल आपको समझने के लिए ये एनफ है। यहां पे आप पाएंगे ऑफ किसके लिए है, तो रिलेशन तोड़ने के लिए, मतलब सेपरेशन की बात हो रही है। ओ डबल एफ जैसे ही आपने पुट इन किया तो यहाँ पे अलगाव की बात की जाएगी, अर्थात सेपरेशन की यहाँ पे बात होगी। जैसे ही ओ एफ की कंडीशन बनती है तो ये हमेशा रिलेशन जुड़ने की बात करेगा। जैसे ही आपने कहा स्विच ऑफ द फैन, तो इसका मतलब फैन का और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन क्या है, अलग हो रहा है, तो अलगाव का भाव होगा तो ओ डबल एफ आएगा। मैंने कहा कि ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, मतलब वो इस टीम का कैप्टन है, कप्तान की बात हो रही है, मतलब ये कप्तान जो है यहाँ पे दिस टीम, यहाँ पे कप्तान है किस टीम की, यानी इस टीम की जो है ये कप्तानी की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिस टीम है और फिर यहाँ पे कैप्टन है, तो यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में जोड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। फिर मैंने कहा ही फिल ऑफ द ट्री, मतलब उस व्यक्ति का और यहाँ पे ट्री से क्या हो रहा है, अलगाव की बात की जा रही है। तो सेपरेशन की जब भी बात होगी तो यहाँ पे सेपरेशन का सेंस निकल रहा है, तो सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या यूज किया, ओ डबल एफ का यूज किया है। इसी तरीके से यू आर द मेंबर ऑफ दिस कमेटी, आप इस कमेटी के सदस्य हैं, यू आर द मेंबर, मतलब यहाँ पे रिलेशन जोड़ा जा रहा है। तो जब जोड़ने की बात होगी तो हर स्थिति में ओ एफ की कंडीशन होगी, और तोड़ने की बात होगी तो हमेशा ओ डबल एफ को आप पुट कर देंगे। होप करता हूं ये लाइन आपको अच्छे से क्लिक कर गई होगी। अगला देख लेते हैं, और कुछ इसी तरीके से कुछ अक्सर पेयर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे एक होता है बिसाइड, ध्यान से देखना है आपको, एक होता है बिसाइड और इसी तरीके से एक होता है बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स, तो एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड, यहीं पे मैं बाई को भी रखे दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट टू के सेंस में हम यूज करते हैं, इसका यूज नेक्स्ट टू के सेंस में यूज किया जाता है, या यूं कहे कि के पास, आप लिख सकते के पास या के नजदीक, ठीक है, ये के नजदीक, या फिर आप कह सकते के करीब, इसके सेंस में आपने इसको यूज किया। ये किसकी बात हो रही है, बिसाइड या फिर बाई के सेंस में हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये अगर देखें यहीं पे, इसका यूज तो इन एडिशन टू के सेंस में होता है, यहां पे लिखेंगे इन एडिशन टू, ठीक है, अतिरिक्त का सेंस दे रहा है, अर्थात यहाँ पे अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त आप लिख सकते हैं, अतिरिक्त है ये,
अतिरिक्त हो गया या अलावा का सेंस दे रहा है, ठीक है। ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में जब भी आएगा तो हमेशा ऐड का सेंस देगा, यानी एडिशन का सेंस देने के लिए यूज होता है। वहीं पे एक प्रीपोजिशन होता है एक्सेप्ट, इसकी स्पेलिंग देखेंगे EXCEPT, एक्सेप्ट। ये भी एक्चुअल में के अलावा या के सिवाय का सेंस देता है। आप कह सकते हैं के अलावा और या फिर के सिवाय, के सिवा, ठीक है। इसका सेंस देने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट का। किसी भी सेंटेंस में अगर आप इसका यूज करते हैं तो हमेशा ये माइनस का सेंस देगा, अर्थात अगर आप घटाव का भाव प्रकट करना चाहते हैं तो घटाव के भाव के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे ये जो होता है स्थान को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी चीज को करीब अगर कोई है, नजदीक है, अगर पास में है, तो जब भी आप इनका आप भाव प्रकट करना चाहते हैं, नजदीकी का, करीबी का या पास का भाव देने के लिए, तो आप हमेशा बिसाइड या तो आप बाई को यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप बिसाइड्स की बात करते हैं तो ये अतिरिक्त कसेंस देगा, एडिशनल कसेंस देने के लिए हम हमेशा सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा ही हैज अ कार, ठीक है, बिसाइड्स, ये देखें, बिसाइड्स अ साइकिल, ये देखिए, इसका मतलब क्या है, उसके पास दो चीजें हैं, उसके पास दो चीजें हैं, एक कार है और साथ ही साथ एक साइकिल है। मैंने कहा ही हैज अ कार, ही हैज अ कार बिसाइड्स अ साइकिल, यानी साइकिल के अतिरिक्त एक कार भी है, दो चीजें हैं, ठीक है। फिर यहीं पे अगर दूसरे पॉइंट को मैं डिनोट करना चाहूं तो दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, मैंने कहा आई लाइक एवरीवन, और यहीं पे मैंने कहा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, और यहां पे लिख दिया यू, मतलब तुम्हारे अलावा मैं सबको पसंद करता हूं, तो आई लाइक एवरीवन एक्सेप्ट यू, यानी तुमको अलावा या तुम्हें तुमको छोड़ करके मैं सभी को पसंद करता हूं, तो आई लाइक एवरीवन एक्सेप्ट यू हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा प्लीज वेट फॉर मी बिसाइड द शॉप, ये देखिए बिसाइड द शॉप। इसी तरीके से मैंने कहा ही इज गोइंग टू ओपन दिस शॉप, ओके, बिसाइड द पेट्रोल पंप। बिसाइड होगा कि यहाँ पे बिसाइड, तो बिसाइड आप यूज करेंगे ना कि बिसाइड्स, तो आप बोलेंगे बिसाइड द पेट्रोल पंप, द पेट्रोल, और यहाँ पे आप यूज करेंगे पंप, ठीक है, यहाँ पे यूज कर दिया गया, यानी ही इज गोइंग टू ओपन दिस शॉप बिसाइड द पेट्रोल पंप। आप इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे किसकी कंडीशन रखी गई है, तो ये बिसाइड है। अब बिसाइड किसके साथ आया है, पेट्रोल पंप के साथ, यानी के पास या के नजदीक का यहाँ पे भाव देने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू ओपन मतलब वो जो है एक यहाँ पे इस शॉप को पेट्रोल पंप के पास ओपन करने के लिए जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू ओपन दिस शॉप बिसाइड द पेट्रोल पंप। आई होप ये आप पॉइंट समझ गए होंगे कि बिसाइड और एक्सेप्ट इन सब में अंतर क्या होता है। तो ये जब भी होगा ये माइनस के सेंस देगा घटाव का। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि आई लाइक एवरीवन, मैं सबको पसंद करता हूँ सिवाय तुम्हारे, इसका मतलब यहाँ पे तुमको छोड़ करके या तुम्हारे अलावा। मैंने कहा ही हैज अ कार बिसाइड से साइकिल, इसका मतलब साइकिल के अलावा उसके पास एक कार भी है, ये यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहीं पे अगर नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करें और जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आप हमेशा याद रखिएगा एक वर्ड होता है अबव, वहीं पे आप देखेंगे एक वर्ड होता है बिलो, ठीक है, एक होगा अबव, दूसरा क्या होगा बिलो होगा। यहीं पे एक वर्ड होता है अंडर, और एक होता है ओवर, ठीक है। अब आपका सबको पता है, इसकी मीनिंग बताने की आवश्यकता है नहीं कि सबकी मीनिंग क्या होती है। फिलहाल एबव का यूज और ओवर का यूज सेम अर्थ में होता है, बिलो और इसी तरीके से अंडर का यूज सेम अर्थ में किया जाता है। बट अगर बेसिक से बात करें अंतर,
तो जब भी लेवल की बात होगी, है ना, जनरली कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब भी लेवल की बात होगी तो लेवल के लिए आप एबव का यूज करेंगे या फिर आप बिलो का यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन वर्टिकल रिलेशनशिप की जब भी किसी भी सेंटेंस में चर्चा होगी, अगर आप वर्टिकल रिलेशनशिप को डिनोट करना चाहते हैं, वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी आप 90 डिग्री वाले स्थिति को आप डिनोट करना चाहते हैं, वर्टिकल रिलेशनशिप की आप बात करेंगे, तो वर्टिकल रिलेशनशिप के लिए हमेशा या तो ओवर का यूज होगा या फिर अंडर का यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, पद या रैंक के लिए आप अंडर का यूज करते हैं, जैसे अंडर का यूज पोस्ट के लिए भी आप कर सकते हैं, पोस्ट के लिए, या फिर आप रैंक के सेंस में भी यूज करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई नीचे काम कर रहा हो किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्था में, तो पद या रैंक के नीचे के अर्थ में भी आप एक्चुअल में अंडर का यूज करते हैं। तो होप करता हूं ये लाइन आपको क्लिक कर गई होगी और यहां तक कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आपने सारे पॉइंट को समझ लिया होगा। जैसे ऐसे समझिए, मैंने कहा ठीक है, देयर आर मेनी बुक्स, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो मैंने कहा देयर आर मेनी बुक्स, ठीक, मेनी बुक्स, तो आप बोलेंगे अंडर द टेबल, अंडर द, ठीक है, अंडर द टेबल की बात होगी। ये देखिए यहां पे वर्टिकल रिलेशनशिप की बात हो रही है। फिर इसी तरीके से मैंने कहा उदाहरण के लिए देयर इज अ बिग पिक्चर, ठीक है, बिग पिक्चर, देयर इज अ बिग पिक्चर, अब आप कह सकते हैं ओवर द डोर, ओवर द, और यहाँ पे आप डोर की स्थिति को रख देंगे, तो देयर इज अ बिग पिक्चर, ओवर द डोर आपने यूज कर दिया, ये हो गया। इसी तरीके से और कह सकते हैं द, ठीक है, समिट, ठीक है, आप इसको देखेंगे तो कह सकते हैं द समिट, ठीक है, द समिट ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है, दिस माउंटेन, द समिट ऑफ दिस माउंटेन इज 5000, ओके, 5000 मीटर अबव, तो आप बोलेंगे सी लेवल, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल की यहाँ पे बात होगी। तो करता हूं ये लाइन आपको समझ में जरूर आ गई होगी। वहीं पे आप कह सकते हैं, मैंने कहा 10, ठीक है, देर आर 10 एम्प्लॉइज, आप कह सकते हैं देर आर 10 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज, ठीक है, देर आर 10 एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर मी, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग अंडर मी, ये हो गया, अंडर मी हो गया। मुझे लगता है ये चीज आप समझ गए होंगे, ये हो गया, ठीक है। होप करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि देयर आर 10 एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर मी, तो यहाँ पे किसकी स्थिति बन गई है, तो आप बोलेंगे अंडर की स्थिति यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन का सेंस दे रहा है, अर्थात ये अधीनस्थ के भाव को प्रकट करने के लिए सेंटेंस में यूज किया गया है। तो देयर आर 10 एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर मी, तो इसका मतलब पद या रैंक की बात हो रही है, कि मतलब मेरे अंतर्गत या मेरे अंडर में 10 कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति को आप डिनोट करेंगे। और इसी तरीके से द समिट ऑफ दिस माउंटेन, मतलब इस माउंटेन की जो समिट है, चोटी है, इस 5000 मीटर अबव सी लेवल, मतलब समुद्र तल की अगर बात करें, ये समुद्र लेवल की बात करें, तो उससे 5000 मीटर ऊपर है। तो ये सब कहीं भी अगर स्थिति को आप डिनोट करेंगे तो आप इनको आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी वर्ड्स को आप समझ लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वर्ड होता है राउंड, ठीक है, राउंड, और इसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे है अराउंड, अराउंड, राउंड हो गया, इसी तरीके से अराउंड हो गया, ठीक, राउंड, अराउंड हो गया, और साथ ही साथ आप अबाउट का यूज करते हैं। इसी तरीके से आप अगले की बात करें तो अबाउट हो गया। अब जब आप बात करते हैं राउंड की, ठीक है, राउंड, तो यहाँ पे राउंड का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, इसका अर्थ होगा चारों ओर, चारों ओर के सेंस में आप इसका यूज करेंगे। और जब भी आप बात करेंगे यहाँ पे अराउंड, ठीक है, अराउंड की अगर आप बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, या फिर आप अबाउट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अराउंड, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे अबाउट की कंडीशन को रख दी।
अब बात क्या होती है, इसका मतलब होता है हियर एंड देयर, इसका अर्थ होगा हियर एंड देयर के सेंस में हम यूज करेंगे। ये देखिए यहां वहां के सेंस में हम लिख सकते हैं हियर एंड देयर के सेंस में। अब यहां पे हियर एंड देयर या फिर हिंदी में बोले तो यहां वहां के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इन दोनों का यूज अप्रोक्सीमेटली के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी सेंटेंस में आप अप्रोक्सीमेटली का सेंस देना चाहते हैं, लगभग या तकरीबन के सेंस में, यानी यहां पर लिख सकते हैं लगभग, मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पे आप लिख सकते हैं लगभग लगभग, या फिर आप कह सकते हैं तकरीबन। ठीक है, लगभग या तकरीबन का जब सेंस देना हो तो उसके सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप अभी तक बोलते चले आए हैं और जो कि गलत भी है, मैंने कहा द अर्थ, ये देखिए द अर्थ, यहां पे द अर्थ मूव्स, अब आप क्या बोलते थे अराउंड द सन, जबकि होना क्या चाहिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये देखिए आप बोलेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन की स्थिति बन जाएगी, और आप क्या यूज कर रहे थे, आप एक्चुअल में यूज कर रहे थे आप अराउंड का, यानी किसी भी स्थिति में जब भी आप सर्कुलर पाथ में यानी वृत्ताकार स्थिति को डिनोट करना हो, इलेप्टिकल शेप को आपको डिनोट करना हो, मार्क को डिनोट करना हो, और ऐसी स्थिति में आप प्लेस को डिनोट करने का आप भाव प्रकट करना चाहते हो या प्लेस को आप डिनोट करना चाहते हो, तो आप हमेशा राउंड को यूज करेंगे, सर्कुलर को चारों ओर के अर्थ में डिनोट करेंगे। जैसे टेबल के चारों ओर लोग बैठे हुए हैं तो वहां पे अराउंड की स्थिति नहीं बनेगी आप, बल्कि राउंड को यूज करेंगे। तो जब भी चारों ओर का भाव प्रकट करना होगा तो चारों ओर के सेंस में आप हमेशा एक ही वर्ड आएगा राउंड, तो अराउंड को आप बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपने यूज कर दिया। मैंने कहा ऑल द प्लैनेट्स, ये देखिए आप कह सकते हैं ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स, ये आप लिखेंगे मूव। ठीक, अगेन आप लिखेंगे राउंड द सन, राउंड द सन आपने लिख दिया ये। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन हो गया। इसी तरीके से अगले की बात करते हैं कि भाई और क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा देयर आर अराउंड, ठीक है, देयर आर अराउंड, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स 20, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने कहा देयर आर अराउंड 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये देखिए इन द क्लास की स्थिति बन गई, तो यहां पे लगभग या तकरीबन का सेंस दे रहा है, यहां पे देयर आर अराउंड 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहां पे किसका सेंस देगा, तो आप बोलेंगे इस गिवन सेंटेंस में जो अराउंड यूज किया गया है वो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली का सेंस दे रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं देयर आर अबाउट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मतलब ये हुआ अराउंड को आप हटा सकते हैं और इसके स्थान पे आप अराउंड के स्थान पे आप एक्चुअल में अबाउट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यही भी अगर अगला मैं देखूं, ठीक है, मैंने कहा why are you, ठीक है, रनिंग, ये देखो मैंने कहा why are you running about, ये आप कह सकते हैं अराउंड। ठीक है, ठीक है, यहां वहां क्यों दौड़ रहे हो, ठीक, तो यहां वहां के सेंस में आप यूज करेंगे। तो व्हाई आर यू रनिंग अबाउट या रनिंग अराउंड के सेंस में हमने यूज किया, तो यहां पे अबाउट भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो अराउंड का भी यूज किया जा सकता है। तो होप करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होगी। आप ये भी कह सकते हैं व्हाई आर यू रनिंग अबाउट डू सम वर्क। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक पॉइंट यहां पर आएगा इनटू का। ठीक है, इनटू की जब हम बात करते हैं तो इनटू का मतलब होगा के अंदर, के अंदर, ठीक है, कि अंदर के सेंस में हम यूज करेंगे, यानी जब भी आप इनटू को यूज करेंगे तो इसका भाव क्या होगा, तो आप बोलेंगे के अंदर, या यू कहें तो इनसाइड मोशन के लिए आप यूज करेंगे, इसका यूज इनसाइड मोशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इनसाइड मोशन के लिए इसका यूज किया जाता है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो अंदर की ओर की गति को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से चेंज इन स्टेट आप यूज करेंगे दशा में परिवर्तन, यानी किसी भी सेंटेंस में चेंज इन स्टेट की बात किया जाए, ठीक है,
चेंज इन स्टेट अर्थात दशा परिवर्तन की बात किया जाए। दशा परिवर्तन की जब बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी चीज में बदलाव लाया जाए, यानी कोई चीज एक कंडीशन में है, एक स्टेट में है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हर स्थिति में दशा परिवर्तन का भाव प्रकट करने के लिए आप इनटू को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा why are these ठीक है children, why are these children ठीक है, मैंने कहा jumping ठीक है into the ठीक है well, ये मैंने क्या बोला, why are these children jumping into the well, मैंने कहा ये जो बच्चे हैं क्यों वेल में छलांग लगा रहे हैं अर्थात कुएं में जंप क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब why are these children jumping into the well, तो यहां पे inside motion की बात हो रही है। जब भी आप inside motion की बात करेंगे तो इसका मतलब ये मान लीजिए कोई चीज मैंने बना दिया ठीक है, आप कुएं ही थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे अंदर की ओर की गति होगी यानी मोशन भी होगा साथ ही साथ यहाँ पे मोशन भी इंक्लूड होगा और यहाँ इनसाइड मोशन है, आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं इनसाइड मोशन से, आप लिखेंगे इनसाइड मोशन की बात हो रही है ठीक है, कुएं में है ना इनसाइड मोशन, तो ये अंदर की ओर की गति की बात हो रही है तो इनसाइड मोशन का भाव प्रकट करने के लिए आप यूज करेंगे इनटू, तो इनसाइड मोशन के लिए यहाँ पे इनटू को यूज किया जाएगा ये इनसाइड मोशन के लिए ठीक है। हाँ मैंने कहा ही फेल यहाँ पे इनटू द रिवर, ये देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही फेल इनटू द रिवर की कंडीशन बन गई, ही फेल इनटू द रिवर हो गया, तो यहाँ पे इनटू की स्थिति बन गई। मैंने कहा कैन यू ठीक है जंप इनटू द रिवर ठीक है, कैन यू ये देखिए जंप इनटू द रिवर, ये देखिए इनटू द रिवर हो गया है ना, ये कैन यू जंप इनटू द रिवर। उसी तरीके से अगला देख ले सकते हैं, अगले की बात करें जैसे यहाँ पे मैंने कहा ठीक है कैन यू ट्रांसलेट ठीक है, मैंने कहा कैन यू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ या दिस पैसेज इनटू ओके हिंदी, ये देखें यहाँ पे अगेन मैंने चेंज ऑफ स्टेट या चेंज इन स्टेट की बात कर दी, यानी मैंने कहा कि कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज, इस पैसेज को क्या आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज किस में बात हो रही है, तो इनटू हिंदी अर्थात हिंदी भाषा में परिवर्तन करने की बात की जा रही है। तो जब दशा परिवर्तन की किसी भी सेंटेंस में बात की जाएगी तो दशा परिवर्तन के लिए हमेशा इनटू को फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, ये वाला स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। मैंने कहा कैन यू जंप इनटू द रिवर, यहाँ पे आप इनसाइड मोशन को डिनोट कर रहे हैं, वही सेम चीज यहाँ पे भी यूज किया जा रहा है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं बना होगा, सारी चीज को आप क्लिक कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगले की बात करें तो एक होता है अलोंग ठीक है, एक को आप बोलते हैं अलोंग। अब यहाँ पे अलोंग की जब बात करते हैं तो इन द सेम लाइन ऑफ क्वेश्चंस में यूज करते हैं, यहाँ पे इन द ओके सेम लाइन ऑफ आप समझिएगा, यहाँ पे इन द सेम लाइन ऑफ क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं, और जब भी आप इन द सेम लाइन ऑफ क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो इसका यूज कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे रोड हो गया जो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरीके से रिवर हो गया ठीक है, रोड हो गया रिवर हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे बीच को आप लिख सकते हैं, आप कॉरिडोर को यूज कर सकते हैं, कनाल को आप यूज कर सकते हैं, या कुल मिला करके ऐसे नाउन के साथ इसका यूज किया जाएगा है ना, कैनाल का यूज कर सकते हैं, या बोले तो ऐसे नाउन के साथ आप इसके यूज करेंगे जो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो रेखा को प्रदर्शित करने वाले जितने भी नाउन्स होंगे तो लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन के साथ आप हमेशा इसका यूज करेंगे। ये एक पॉइंट होता है जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना ही पड़ेगा है ना, जैसे आप कह सकते हैं आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई सा हिम
ये देखिए, आई सा हिम वॉकिंग, ठीक है, ये आप कह सकते हैं आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, ठीक, ये हो गया। तो आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड हो गया, ठीक है, आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, ये मैंने उसे रोड के किनारे किनारे वॉक करते हुए देखा, तो आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड हो गया, यहाँ पे अलोंग की स्थिति बन गई है, ठीक। तो ये छोटी छोटे पॉइंट्स थे जिनको आपको जानना बहुत जरूरी था, और ये किससे रिलेटेड थे, तो आपको पता है यहाँ पे रिलेटेड थे प्रीपोजिशन से, है ना, ये प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट है। अब जो सबसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ थोड़ी देर के लिए आइए समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट को, और ये जो रिलेटेड है फिक्स प्रीपोजिशन का। तो पहली बात तो समझ लीजिए फिक्स प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है। फिक्स प्रीपोजिशन की जब हम किसी भी सेंटेंस में चर्चा करते हैं तो फिक्स प्रीपोजिशन की वो कंडीशंस होती हैं जहां पर आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन की स्थिति को देखते हैं तो वहां पे रूल्स को अप्लाई ना करके बल्कि कुछ विशेष तरीके के वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के रूप में वो नाउन हो सकते हैं, वर्ड्स के रूप में एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ड्स के रूप में वर्ब हो सकते हैं, तो वहां पे कुछ उनके साथ कुछ विशेष तरह के प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, अर्थात वहां पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते बल्कि उन विशेष शब्दों के साथ विशेष तरह के प्रीपोजिशन को ही हम अलाउ करते हैं। जैसे अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक वर्ड है अपने पास एफिलिएट, ठीक है, एफिलिएट का मतलब होता है जुड़े होना, अर्थात संबंधित होना, अर्थात किसी से जुड़ जाना या किसी चीज से संबंधित होना, ठीक है। तो अब मान लीजिए संबंध की बात होती है, तो अगर मान लीजिए कोई संबंध है, ठीक है, किसी विश्वविद्यालय से है या फिर किसी बोर्ड से हो, यानी एफिलिएशन जो है वो किसी बोर्ड से हो या फिर किसी विश्वविद्यालय से, तो ऐसी स्थिति में एफिलिएट के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। जबकि अगर कोई भी एफिलिएशन यानी जुड़ाव जो है, संबंधता अगर हम बात करते हैं, तो कोई अगर संबंध किसी पार्टी से होता है तो पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा विद को अलाउ करते हैं। जैसे मैंने कहा आवर स्कूल इज एफिलिएटेड, तो आप बोलेंगे टू द सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोर्ड की। तो जब एफिलिएशन हो किसी विश्वविद्यालय से तो एफिलिएशन विश्वविद्यालय से होगा तो टू का यूज किया जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं टू वाली स्थिति है कि नहीं। यहीं पे आप देखिए मैंने कहा बजरंग दल इज एफिलिएटेड, अब बजरंग दल किससे एफिलिएटेड है, तो आप कहेंगे द बीजेपी इनडायरेक्टली, मतलब बजरंग दल जो है अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से जुड़ी हुई है, संबद्ध है। इसका मतलब यहां पे एफिलिएशन किससे है, पार्टी से, बीजेपी एक पार्टी है, तो जब यहां पार्टी के कॉन्सेप्ट में आप बात करेंगे तो आएगी स्थिति किसकी, विद की। तो इसका मतलब एफिलिएटेड टू द सीबीएसई बोर्ड, और फिर कह सकते हैं बजरंग दल इज एफिलिएटेड विद द बीजेपी इनडायरेक्टली। होप करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, है ना, है कि नहीं आसान, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। अगला देखते हैं और कुछ वर्ड को देख लेते हैं, जैसे अवार्ड है, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है, अवार्ड का मतलब पुरस्कृत करना है या फिर पुरस्कार। अब जैसे अवार्ड होगा यानी पुरस्कार किसी एक्शन के लिए दिया जाए, जैसे यहाँ पे अवार्ड है, पुरस्कार किसके लिए है, किसी भी एक्शन के लिए, तो अगर एक्शन की बात होगी तो एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर आएगा, जैसे ही वॉज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर विनिंग 100 मीटर रेस, मतलब उसे अवार्ड किया गया एक गोल्ड मेडल से, मतलब ही वॉज अवार्डेड, है ना, एक गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया किसके लिए, विनिंग 100 मीटर रेस, मतलब 100 मीटर के रेस को जीतने के लिए, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल फॉर, ठीक है, ये फॉर किसके वजह से आया है, विनिंग के लिए, और विनिंग क्या डिनोट करता है, तो आप बोलेंगे ये एक्टिविटी है, अर्थात एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है, एक्शन। तो ही वॉज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर विनिंग 100 मीटर रेस। अब इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति को अगर दिया जाएगा, यानी अवार्ड किसी व्यक्ति को जाएगा, तो वहां पे क्या यूज होगा, तो आप बोलेंगे सर वहां पे टू की कंडीशन बनेगी। जैसे मैंने कहा अ सिल्वर मेडल विल बी अवार्डेड टू द बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल, मतलब एक सिल्वर मेडल को अवार्ड किया जाएगा सबसे बेस्ट स्पोर्ट गर्ल को, तो इसका मतलब यहाँ पे टू वाली स्थिति बन गई। तो ये देखिए क्योंकि पर्सन है ना, हाँ। अगला देखते हैं, केयर का अर्थ दो होता है, केयर का मतलब होता है एक पसंद और एक होता है वस्तु, तो पसंद और वस्तु के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं इधर से, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्चुअल में केयर का मतलब हो पसंद, केयर का मतलब होगा लाइक, तो जब केयर का अर्थ लाइक निकल जाए तो यहाँ पे आएगा फॉर, जैसे आई डोंट
आई डोंट केयर फॉर, आप बोलेंगे आई डिडंट केयर फॉर, है ना, ड्रिंक्स. तो आई डोंट केयर फॉर ड्रिंक्स, तो यहां पे किसका सेंस दे रहा है, तो जवाब होगा लाइक का. दूसरा समझिएगा, मैंने कहा सी टेक्स फुल केयर, तो आप बोलेंगे अबाउट हर सारीज एंड मेकअप. यहां पे किसकी बात हो रही है, अबाउट किसकी स्थिति में आएगा, तो अबाउट का कॉन्सेप्ट तब बनेगा जब यहां पे थिंक की बात होगी. ठीक है, चलिए अब कंसल्ट की बात हो रही है. ठीक है, अब समझिएगा, कंसल्ट के साथ ऑन भी आता है, कंसल्ट के साथ यहां पे ऑन भी आएगा और कंसल्ट के साथ विद भी आता है. ठीक है, कंसल्ट के साथ ऑन और विद दोनों आता है. अब ऑन का देखिए, लिखा है वी वर नॉट कंसल्टेड ऑन द न्यू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. तो यहां पे कंसल्ट जब मैटर की बात होगी, मतलब जब परामर्श हो किसी मुद्दे को लेकर के हो, तो कंसल्ट के साथ क्या आएगा, ऑन. ध्यान से समझना है, जब कंसल्टेशन की बात हो और कंसल्ट किसी मैटर को लेकर के हो, जैसे द न्यू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, तो यहां पे मैटर के कॉन्टेक्स्ट में आप ऑन को यूज करेंगे. ठीक, और वहीं पे देखिए, मैंने कहा यू शुड कंसल्ट, तो आप बोलेंगे विद सम एक्सपर्ट. यहां पे किसकी बात हुई है, पर्सन, तो पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, विद. तो इसका मतलब यहां पे विद वाली स्थिति बन जाएगी, है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है. इसी तरीके से अगला देखिए, मैंने कहा कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी समझते हैं, है ना, कोई ना कोई आप देखेंगे विरोधाभास है, कोई ना कोई विवाद होता है, उसी को कंट्रोवर्सी बोलते हैं. अब कंट्रोवर्सी किसी मैटर पे है तो क्या आएगा, ऑन. कंट्रोवर्सी किसी भी व्यक्ति के साथ है तो आप क्या यूज करेंगे, विद. मैंने कहा अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वॉज रेज्ड, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन दिस इशू. यानी जो कंट्रोवर्सी हो किसी मुद्दे को लेकर के अगर कंट्रोवर्सी होती है, तो आप हमेशा अलाउ करते हैं ऑन को. और यहीं पे कोई व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो किसका यूज होगा, विद. तो जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस मैटर. ठीक है, मैंने कहा आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑन दिस इशू. तो यहाँ पे मैटर होगा, तो मैटर के साथ आप हमेशा अलाउ करेंगे ऑन को. जब पर्सन की बात की जाएगी, यानी कंट्रोवर्सी किसी व्यक्ति के साथ होगी, तो व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा विद को अलाउ करेंगे. मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बन रही होगी, है ना. तो ये चीज तो इतना क्लियर हो गई होगी. अब इसी तरीके से अगले की बात कर लेते हैं. जैसे अब कन्फाइड का मतलब भरोसा होता है, कन्फाइड का मतलब यहाँ टू टेल होता है, अर्थात कहना या बोलना. जब यहाँ पे कन्फाइड का मतलब होता है टू टेल, अर्थात बोलना या कहना या बतलाना, तो जब कहने या बतलाने के सेंस में होगा तो हमेशा इसके साथ टू आएगा. जैसे मैंने कहा यू शुड नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट, अर्थात आपको अपना सीक्रेट किसी से नहीं बताना चाहिए. ठीक है, टू एनी बडी. ये देखिए टू किसका यहाँ पे यूज होगा, पर्सन के लिए, अर्थात कहने या कहले या बतलाने के लिए. तो जब टू टेल का सेंस देगा, कन्फाइड का अर्थ जब टू टेल हो जाए, अर्थात कहना हो जाए, तो इसका अर्थ जब कहना होगा तो इसके साथ क्या आएगा, तो जवाब निकलेगा यहाँ पे इसके साथ टू वाली स्थिति बन जाएगी. अर्थात यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आपको फॉलो करना पड़ेगा. और जब यहाँ पे पोस्ट कॉन्फिडेंस का सेंस देगा, अर्थात किसी को के ऊपर भरोसा देना या किसी को विश्वास दिलाना, तो भरोसा या विश्वास उत्पन्न करने का अगर सेंस देना हो, तो वहां पे कन्फाइड के साथ क्या होगा, इन. मैंने कहा आई कन्फाइडेड, तो आप बोलेंगे आई कन्फाइडेड इन हिम. ठीक है, बट ही डिसीव्ड मी, मैंने उस पे विश्वास किया. आई कन्फाइडेड हिम, ठीक है, आई कन्फाइडेड इन हिम, मैंने उस पे विश्वास किया, बट ही डिसीव्ड मी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, है ना. इसी तरीके से अगला देख लीजिए, अगर आप बात करते हैं कंप्लेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स के साथ मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दे रहा हूं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं. जैसे यहां पे देखिए कंप्लेन है, अब कंप्लेन किसी वस्तु को लेकर के हो, मान लीजिए शिकायत है, वो किसी चीज को लेकर के शिकायत है, तो शिकायत जब वस्तु को होती है किसी चीज को लेकर के, तो वहां पे आप हमेशा ऑफ की कंडीशन को रख देते हैं. मैंने कहा आई कंप्लेंड, तो आप बोलेंगे ऑफ. ये देखिए मैंने कहा आई कंप्लेंड ऑफ हिज मिसकंडक्ट टू द बॉस. ठीक है, और यहीं पे अगर यहाँ पे कंप्लेन यहाँ पे किसी व्यक्ति से हो, तो आप व्यक्ति के लिए हमेशा टू का यूज करते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आई कंप्लेंड ऑफ हिज मिसबिहेवियर, तो किससे, टू हिज फादर. यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, पर्सन. फिर अगला देख लेते हैं,
अगले को अगर देखें तो कह रहा है कंपीट। अब कंपीट के साथ देखिए विद भी आता है और कंपीट के साथ फॉर आता है। अब कंपीट के साथ विद यहां पे आएगा और फॉर, तो जब कंपीट का मतलब समझ लीजिए, कंपीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। कंपीट का मतलब क्या होता है, आप एक्चुअल में कंपीट कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो कंपीट से ही कॉम्पिटिशन बना है। कॉम्पीट किससे बना है, तो एक्चुअल में अगर कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो एक्चुअली कंपटीशन जो होता है वो कंपीट वर्ड से ही बना होता है। कंपीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना या आगे निकलना। तो जब यहाँ पे किसी व्यक्ति से कंपीट किया जाए तो वहां पे विद वाली स्थिति बनेगी, और जब कंपीट कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए, पद के लिए, आप अगर कंपीट किया जा रहा है तो वहां पे फॉर का यूज होगा। जैसे कैन यू कंपीट विद हिम, तो यहाँ पे विद वाली स्थिति हो गई। मैंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंपीट फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पे क्या है, तो आप फॉर वाली स्थिति को रख देंगे, ये हो गई, है ना। ये देखिए अब कॉज ऑफ कॉज फॉर, अब देखिए दो होता है, एंग्जाइटी है और यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे डेफिनेटली ट्रबल का सेंस देना हो या समस्या का अर्थ देना हो, प्रॉब्लम का अर्थ देना हो, तो कॉज के साथ ऑफ आता है और ये किसके लिए, तो आप बोलेंगे प्रॉब्लम के लिए। और कॉज के साथ फॉर आता है, ये किसके लिए आएगा, तो आप बोलेंगे एंग्जाइटी के लिए, अर्थात चिंता के लिए, अर्थात परवाह के लिए। तो अगर चिंता या परवाह का भाव प्रकट करना हो तो आप वहां पे फॉर यूज करेंगे, यानी कॉज ऑफ अ कॉज फॉर। मैंने कहा ही इज द मेन कॉज, क्या, तो ही इज द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल, है ना। आप कहते हैं सभी जितनी भी ये ट्रबल्स हैं, समस्याएं हैं, उसी के लिए ये मेन कारण है, मुख्य जो है समस्या है। तो ही इज द मेन कॉज, ही इज द मेन कॉज, मेन कारण है किसका, ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, ये ऑल दिस ट्रबल, इसका मतलब सभी समस्या के लिए। और जैसे ही आपने बोला एंग्जाइटी, मैंने कहा आई डू नॉट हैव एनी कॉज, तो आप बोलेंगे फॉर एंग्जाइटी। होप करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे क्लॉथ्ड है, एक होता है वास्तव में ड्रेसिंग करना अर्थात कपड़े पहनना, और एक होता है सम क्वालिटी होना, मतलब आप ड्रेस्ड के साथ जब भी यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्लॉथ्ड हो, पहनावा हो, पहनावा दो तरीके का हो सकता है, एक वास्तविक ड्रेसिंग का हो सकता है जिसमें आप वास्तव में आप कपड़ा पहनते हैं, और एक आपके अंदर कुछ हुनर हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटी हो। ये बात जरूर है क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने कहा सी वॉज क्लोथ्ड, तो आप बोलेंगे इन अ ड्रेस, यानी ड्रेसिंग का सेंस होगा, पहनावे का, तो पहनावे के सेंस में हमेशा इन आएगा। और मैंने कहा सी वॉज क्लोथ्ड, तो आप बोलेंगे विद शेम, विद की कंडीशन बन गई। अगला देखिए यहां कनेक्ट है, कनेक्ट का अर्थ दो होगा, एक तो कनेक्ट का अर्थ यहाँ पे टू ज्वाइन है, जब वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट से आप जोड़ने का काम करते हैं। तो कनेक्ट का अर्थ दो होता है, एक होता है वास्तव में जोड़ना, जब आप कनेक्टिविटी बनाते हैं, जोड़ने का सेंस देना चाहते हैं, तो कनेक्ट के साथ हमेशा टू आएगा ज्वाइन का अर्थ देने के लिए। और जब आप रिलेशन बताने का काम करते हैं अर्थात यहाँ पे संबंध स्थापित या संबंध बताने का काम करते हैं, तो संबंध के सेंस में हमेशा कनेक्ट के साथ विद आता है। जैसे कनेक्ट द एंड ऑफ दिस रॉड, तो आप बोलेंगे टू द अदर, यहाँ पे किसकी बात बनेगी, तो आप बोलेंगे टू द अदर, टू वाली स्थिति बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे किसको रख देंगे, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे टू होगा, जबकि मैंने कहा आई हैव नो कनेक्शन, आई हैव नो कनेक्शन, तो आप बोलेंगे विद, ये रिलेशन का विद हर, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो आपका जवाब होगा रिलेशन की बात हो रही है ना। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को आपको करना है, और यहीं से जो आपका टॉपिक होता है वो समाप्त होता है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, इसमें और कुछ वर्ड्स हैं, ये देखिए इस तरीके के, तो ये रिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए से लेकर के जेड तक के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे। जैसे फैमिलियर के साथ टू भी आता है, विद भी आता है, इन्वॉल्व के साथ इन भी आता है, विद भी आता है। तो ये कौन सी कंडीशंस है, सब पे एक एक दो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के माध्यम से जब आप करेंगे तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला पाएंगे, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को इनहेंस कर पाएंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको पता ही है प्रीपोजिशन टॉपिक से जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन तीन ही तरीके से बनते हैं, जो सबसे ज्यादा, यानी मैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, यानी सबसे बड़ा से, यानी बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बड़े से छोटे क्रम की ओर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं अगर देखें तो सबसे ज्यादा पहले क्वेश्चन बनेंगे आपके फिलर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वहीं पे सेकंड की बात करते हैं तो आपके स्पॉटिंग एरर के होंगे, और फिर थर्ड में बहुत ही रेयर कंडीशन बनती है जहां पर
आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से बनेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मुझे लगता है सेशन आपको एंजॉयफुल लगा होगा। मैंने सारी चीजों को कोशिश किया कि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपने दो तरीके से प्रीपोजिशन को पढ़ा, एक रूल बेस्ड प्रीपोजिशन आपने देखा और दूसरा आपने फिक्स प्रीपोजिशन की भी कंडीशन को समझा, ठीक है। यहाँ भी फिक्स प्रीपोजिशन की कंडीशंस होती हैं। हाँ, ये बात है, कुछ लिस्ट आपको और भेज दिया जाएगा जहां पे कुछ वर्ब होंगे जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ना कि प्रीपोजिशन। तो जैसे डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, डिस्कस के साथ सीधे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अटैक के साथ ऑन नहीं आता है, बल्कि अटैक वर्ब के साथ, यानी वर्ब है और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं उसकी भी लिस्ट आपको भिजवा दूंगा कि कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे डिस्कस हो गया, उसी तरीके से आप यूज करते हैं, टेल हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, आस्क हो गया, कंपेल हो गया, फोर्स हो गया, अलाउ हो गया, अटैक हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ना कि हम प्रीपोजिशन का। तो होप करता हूं एक्चुअल में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ये यहीं से ये टॉपिक समाप्त हुआ, मिलते हैं कंजंक्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।